ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മൈലേജ് കൂടുതൽ തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ട്യൂബ്ലോ ലോറീസ് के मुकाबले ट्यूबिटॉल लॉरी सिर्फ आधा तेल इस्तेमाल करती हैं। ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है। ट्यूबिटॉल लॉरी അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോറികളെക്കാൾ പകുതി ഇന്ധനമേ ചെലവാകുകയുള്ളെന്ന് ട്യൂബ്രിഡോർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. केवल इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ये देख लीजिएगा। दो जर्मन कंपनी और एक जापान की कंपनी वजिया कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में आ रही है, वो भी 8 साल की रिसर्च के बाद ऐसा हुआ है। पॉल्यूशन परमिट लेवल से कई ज्यादा आ गया है। हेलो सर, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, पर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। पॉल्यूशन लेवल अभी बहुत हाई है। वर्ल्ड मार्केट में वज्रा के शेयर्स 11.37% से बढ़ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और अब इसी के साथ वज्रा दुनिया की लीडिंग मोटर कंपनीज में से एक है। ओके सर। पॉल्यूशन लेवल मेंटेन करो और इस डिटेल्स को सीक्रेट ही रखना। हुआ क्या? जल्दी हो जाएगा सर। क्या होने वाला है, जल्दी करो उसको। अभी एक्सेल जारी है, मैं ईमेल आईडी अपलोड कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। कितनी देर लगेगी? 2000 मेल आईडी है सर। तो सारी मेल्स को मर्ज करो और जल्दी से जल्दी मुझे भेजो। पेरुमाल, पेरुमाल क्या कहा मैंने अभी? ईमेल आईडी को मर्ज करने को कहा सर। क्या तुम्हें वो करना आता भी है? हाँ सर। सच में क्या? मैं सच में जानता हूँ सर। ठीक है, चलो मैं यहीं पे खड़ा होकर के दिखाऊँ मेरे को। चिंता मत करो, करो। I want to see you doing it. बात करने के बाद मैं चेक करूंगा आके, ठीक है?
ഇതായി പെരുമാളെ ആ എല്ലാം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു സർ എന്താ പറഞ്ഞത് പൂരാവുകയാ क्या वो रिमोट ने इस्तेमाल करके सभी फाइल मर्ज कर दी थी नहीं सर मैं जानता हूँ आप ही ने किया था दरअसल मुझे मेरा सीनियर मैनेजर पसंद ही नहीं करता वो हर दिन पूरी कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये तो क्या कर रही है ध्यान रख अपना ओ माय गॉड मेरे नए जूते थे इसकी उल्टी में से खून निकल रहे शिट मेंस टॉयलेट है ये हाँ हाँ तो चलते हैं यहाँ से तुम लोग बाहर जाओ क्या हमें जाना चाहिए अरे तुमने अभी देखा नहीं आदमियों की जगह है इमरजेंसी चलो चलते हैं आदमियों का टॉयलेट है और आदमी अलाउ ही नहीं है सही है भाई सुनो यहाँ खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना अरे मेरा भाई ऐसे क्या देख रहा है कॉलर उस तरफ दिखाओ परफेक्ट यूएसए में बहुत ठंड है वहाँ स्पेशली जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ -3 डिग्री है कल मैंने अपनी दोस्त से बात की थी इन सबको अपने साथ ले जाना मेरी मॉम की दोस्त है वो फ्लाइट कब की है सोमवार तुझे छुपना पड़ेगा कल मैं तिरुनवेली जा रही हूँ आंटी आप इधर आइए और यहाँ बैठिए चेक करना ये मेरे दोस्त का नंबर है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े उससे बात कर लेना यूएसए में ठीक है सॉरी 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 मैथिली हाय आंटी कितना अच्छा सरप्राइज है ना आंटी कल ही मैंने तुम्हारी मम्मी से बात करी थी वैसे यहाँ क्या कर रही हो तुम्हारी क्लास का क्या हुआ वो किताबों का इंतजार कर रही हूँ थिरु ये मेरे दोस्त की बेटी है मैथिली मेडिसिन में पढ़ाई कर रही है और ये मेरी बहन का बेटा है थिरु फाइनेंशियल एनालिस्ट है और तो और यूएसए में सेटल होने वाला है मैथिली की भी अभी शादी होने वाली है कुछ समय में मैंने ही उसे एक अच्छे लड़के से मिलवाया है वो भी डॉक्टर है इसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। अरे तुम कल क्यों नहीं आई तुम्हारे लिए मेरे पास एक किताब रखी है घर पे
റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ആന്റി ഇന്നലെ രാത്രി. അതാ വരാൻ പറ്റാത്തത്. ഇന്ന് വാങ്ങാം. സാരമില്ല, ബുക്ക് കാറിലുണ്ടാവും, ഞാൻ തന്നേക്കാം. ഓക്കെ ആന്റി, തരൂ. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. Boyfriend. उसने मुझे प्रपोज किया बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. और वो डॉक्टर लड़का? इंटरेस्ट नहीं है. ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. मेरा यकीन हाँ, काफी जल्दी है. सॉरी, तुम्हारी दोस्त कैसी है? कौन सी दोस्त? वो कल वाली जो उल्टियां कर रही थी. क्या हुआ? डिले रिएक्शन. अब मुझे गुस्सा आ रहा है और ये बोला गलत है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती. क्या मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा? ये मेरी पर्सनल जिंदगी है और कितना जानते हो तुम मेरे बारे में. मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक इंडिपेंडेंट करियर चाहती हो. तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, ये दोस्त यार इनकी मत सुनो. और सच कहूँ तो तुम्हें प्यार करने वालों की कमी नहीं है. चुनिंदा दोस्त है और एक अंदर जुनून है. तुम जैसी इंडिपेंडेंट लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है. एक बात कहूँ, यू आर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. लाइफ में खुद से ज्यादा अपने आप को भी अहमियत देनी चाहिए. और वीणा इंस्ट्रूमेंट बजाती रहना, तुम पर अच्छा लगता है. अरे किताब मिल गई. ഭാരതി ആന്റി ധ്രുവിനെ കാണാതിരിക്കാൻ അവൻ തന്നെയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. അവനോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. എന്നിട്ടും അവൻ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അവൻ ഡീസന്റ് അല്ലേടി. മാത്രമല്ല ഈ ചാൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട് ആവണമെന്ന് അവൻ ട്രൈ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല, വായി നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ സോ നത്തിങ് ബസ് യേ സബ് ഹുവാ കഹാനി ഖതം ഓർ അബ് മൈ ഉസ്സേ കഭി ഭീ നഹീ മിൽനെ വാലി. അഗർ ഹർ ചീസ് ഉസ്നെ സഹി കഹി तो उसने कैसे किया? ഭാരതി ആന്റിയാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന്. എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ച്? സോറി, അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ സ്പോട്ട് ഓൺ, എല്ലാം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്? ഒരു കോഫി ആണ് ചേരുവോ? എന്നാ പറയാം. ന്യൂസ് കണ്ടാർന്നോ? രക്തം ഛർദ്ദിക്കണം ഷെയർ മാർക്കറ്റ്. വജ്ര ലോറീസ് പൊല്യൂഷൻ ബഹുത് ജാദാ ബഡ്താ ഹൈ. इस बात को वो अभी तक छुपाते आ रहे हैं. लोगों को इसके चलते चिंता हो रही है. ई വിവരങ്ങളെല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം ജനങ്ങളെ. ये पूरी तरह सच है कि इस बार वज्रा को बहुत बड़ा नुकसान होगा. वज्रा को इस बार बहुत भारी नुकसान होने वाला है जिनका उनको कोई. വജ്രയുമായി കരാർ ഒപ്പിടാനെന്ന് ജർമ്മൻ കമ്പനി മിനിസ്റ്റർ ലൈൻ ജി നേരാണോ? എമിഷൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് റീഡാർ ലൈസൻസ് പ്രശ്നമാകും. എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നണ്ട. ഇക്കാരണത്താൽ ട്യൂബ്രിഡോർ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൂചന. ഏതൊരു വാഹനവും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് അപ്നാ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ലോഞ്ച് കർനെ സേ പഹലെ ഉൻകോ അപ്നാ പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാസിൽ കർനാ ഹോഗാ വോ ബി കിസി ബി കീമത് പർ ഓർ ഹാലാത്തോ കോ ദേഖ്തേ ഹോ യൂ. मेरा टेलीग्राम चैनल है. इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ. टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema. यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों. हालातों को देखते हुए यूँ लगता है कि वज्रा इस बार भी फेल हो जाएगा. हमारी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की? देयर इज अ ग्रुप जो कॉर्पोरेट के सीक्रेट को चोरी करता है और उन्हें आगे बेचता है. Already, more than 70 groups are arrested around the world. लेकिन इनकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती. इनके अलावा और भी ग्रुप बाकी हैं. सर, ये कॉर्पोरेट सीक्रेट्स होते क्या हैं? कॉर्पोरेट्स के अपने बहुत से सीक्रेट्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो बैलेंस शीट. कंपनी को जो भी नुकसान होता है या कोई फायदा होता है वो सब पब्लिक होता है. क्या ये गलत नहीं है? सर, टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. With the bank loan. Good. Student का ग्रेट कार्ड, टीवी की TRP और मूवीज की कलेक्शन.
पब्लिक कंपनीज के लिए शेयर मार्केट, अगर कंपनी का सारा डेटा बाहर आ जाएगा तो उनके शेयर्स और उनके वैल्यू सभी डाउन हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम डेटा पब्लिक नहीं होने दे सकते हैं। हर कंपनी के खुद के प्लान्स होते हैं, उनकी R&D और उनकी रिसर्च, यहाँ तक कि उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर पब्लिकली हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चोर तो कमा ही रहा है। हमारे आस्तीन में कोई सांप बैठा है, कोई तो है जो हमारे राज बाहर निकाल रहा है। पता करो वो पैसे कौन ले रहा है और वो किसे बेचते हैं सर? ऑपोजिट कॉर्पोरेट माफिया എന്തിന്? ചില നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. 4 വർഷമായിട്ട് എന്താ നടന്നേ നോക്ക്. ബംഗാളിലെ ബയോകെമിക്കൽ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു, റിമെമ്പർ? അത് പുറത്ത് ഇതുവരെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാ ബദാനി കെമിക്കൽസ് നമ്മളെ തള്ളിവിട്ടത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു കോഇൻസിഡൻസ് ആണെന്ന് ഞാനപ്പോ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. MPയിൽ BMT മെഷീനറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അത് നിർമ്മാണ പ്രയോജനകരമായി മാറി. അതും ഒരു കോഇൻസിഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനപ്പോ വിട്ടു. ഈ ഗവൺമെന്റിന് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വജ്ര വിഷയം എടുത്തു നോക്ക്, ആ ന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് പീപ്പിൾസ് ടി വി ആണ്. മാഫിയ ഗാങ് യാ ഫിർ ഗവൺമെന്റ്, കോർപ്പറേറ്റ് കാ സിർഫ് മെയിൻ മുദ്ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കോ ഖതം കർനാ ഹോതാ ഹൈ. പിച്ചലെ 4 സാലോ മേ ഹം കുച്ച് നഹീ കർ പായേ. अगर हम चाहते तो बंगाल की वो केमिकल कंपनी को हिरासत में ले लेते. हमारे साथ जो भी हुआ वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, लेकिन बड़ानी केमिकल्स ने उसे सब कुछ छीन लिया. मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर हमारे पीठ पीछे गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे साजिश रच रही थी ताकि हम अपनी फॉरेन मशीनरी कभी भी खरीद ना पाए. और मैंने इस चीज को भी इत्तेफाक ही समझ लिया और उन भोसड़ी वालों ने पीछे से हमारी कान मार ली. अब उन बहन के लोड़ों को रोकेगा कौन? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि ये वज्रा वाले बड़े हराम के चुदे हुए हैं. देख लो तुम इन लोगों को और इस निर्मल टीवी वालों के गांड में भरो पैसे, तब ठीक होगा वो. निर्मल और वज्रा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं. वो एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं. पिछले 6 सालों से हम अपनी माँ चुदवा रहे हैं. 1% का प्रॉफिट नहीं हुआ. जब तेल खत्म हो जाएगा तो और दुखेगी. डॉलर्स में पैसा चाहिए. दरअसल मुझे लोगों का शिकार करना पसंद है. सिर्फ 7 लोगों को पॉल्यूशन के बारे में पता था. 6 लोगों से ऑलरेडी इंक्वायर कर चुका हूं. परेशान मत हो, मैं तुम्हारा मुंह खुलवा ही लूंगा, पर देखते हैं कितनी देर और कितनी देर तुम खुद को रोक पाते हो. इन्वेस्टिगेशन में आपके अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं करूंगा. डन. हमें इस केस में पुलिस का कोऑपरेशन चाहिए. हर स्टेट में इसका अरेंजमेंट करो जल्द से जल्द. हम कुछ लोगों को मार भी देंगे.
और तो और हमको शायद आपके कुछ एम्प्लॉयज के पर्सनल फाइल्स की जरूरत भी पड़ सकती है। हम लोग पक्का उस धोखेबाज को ढूंढ निकालेंगे। अब आप बेफिक्र हो जाएं। पिछले 4 सालों से कोई सीक्रेट्स को बराबर बेच रहा है। मैं जानता हूं कि तुम उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो पैसे के लिए। तुम्हारा फॉरेन बैंक अकाउंट, उसकी एक एक डिटेल्स इस वक्त मेरे पास है। किशोर, और बताऊं क्या, मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इस वक्त तोड़ सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी बची हुई जिंदगी के लिए अपाहिज बना के छोड़ सकता हूँ। तुम्हारा बेटा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है ना? मैं उसके पैर भी तोड़ सकता हूँ, तुम्हारी बेटी के चेहरे पर एसिड लिखवा सकता हूँ और तुम्हारी पत्नी का रेप भी करवा सकता हूँ। दैट्स हू आई एम, किशोर। मेरे सवालों का कुछ जवाब दे दो और फिर तुम फ्री हो। अगर हाँ बोलना है तो सारे लाओ बस। तुमने किस कंपनी को डिटेल्स भेजे हैं? बस नाम बताओ उसका। मैं किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं भेजता हूँ, बस मंथली एक ईमेल आता है जिसको पेन ड्राइव में डालकर आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ और उसके बाद जो मिलता है उसे रख लेता हूँ। ज्यादातर बस या सीट की वो सीट नंबर मुझे मिलता है और मैं वहाँ पर बैठकर स्पेंड में कुछ बात करता हूँ, उसके बाद वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर पीछे से उस पेन ड्राइव का जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें और जानना है। और चाहिए मुझको, कुछ भी चलेगा। और मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी क्या? सच कह रही തന്റെ മകള് ഡൽഹിയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങാണെന്നാണോ കരുതിയത്? വീഡിയോ കോള് ഹൈ मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। देखिए मैं सच में प्लीज मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी एक ही बच्ची है, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, उसको चोट मत पहुँचाइए, उसे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। अरे टाइम ओवर हो गया, उसको उसकी आंखों में। नहीं नहीं सब मत करो, मेरी बेटी को जाने दो, क्या फेंकने वाले तुम उसकी आंखों में? हटो पीछे हटो, सब मत करो, उसको जाने दो, उसे कुछ मत करना, मेरी बात मत, सब मत करो। मैं सच
सच कह रहा हूँ मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे बस थोड़ा और बोल दो, मुझे सोचने दो, मेरी बात को हटो पीछे, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। भरोसा किशोर, किशोर, ओए किशोर, वो तो मरी बेटी नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड था। ओ माय गॉड, कोई मदद करो, हेल्प, एम्बुलेंस बुलाओ कोई। अगली बार तेरी बीवी होगी, मेरे आदमी अभी भी वहीं पे हैं। मुझे एक इंसान पर डाउट है, शिव प्रकाश शायद वही है जो अकाउंट सेक्शन का चीफ था। जब मैं वहां से पेन ड्राइव वगैरह छोड़कर निकल गया था तब मैंने उसको ट्रेन पर बैठे हुए और वो वहीं पर बैठा था, और जहां तक मुझे लगता है कि ड्राइव का इस्तेमाल उसी ने किया होगा, तो क्या हो सकता है वही। निशान चर बोर्मा ललित गंजी कोलकाता मुंबई हैदराबाद दिल्ली, ये सब लोग आपके कंपनी के सीक्रेट्स किसी ना किसी को तो बेच रहे थे। ऐसे लोग जिनको प्रमोशन नहीं मिला, बुढ़े जो कम सैलरी में काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते जा रहा है और वो उनके टारगेट हराम से बन भी रहे हैं। ये है आखिरी आदमी, जय प्रकाश, चेन्नई अकाउंट सेक्शन चीफ। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? किसी को नहीं पता सर। उसका 10 दिन से पीछा कर रहा हूं, उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है, फोन हैक कर लिया है, और उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा हूं। बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। मैडम लंच टाइम हो गया है, और कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? कॉफी काफी है। तुम्हें मेरे कैरेक्टर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा हैंडबैग, हाँ ये मदद करता है समझने में, ठीक है ना? तुम्हारा हैंडबैग बहुत बड़ा है, उसमें फोन है, चार्जर है, कीज है, और कई सामान तुम्हारा मेकअप का, जैसे कि लिप ग्लॉस, आईलाइनर और बहुत सारी चीजें। ये क्या बताती है? तो इसका मतलब क्या निकल? इसका मतलब ये निकलता है कि तुम एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड हो। अगर ये बिल्डिंग अचानक गिर जाए तो तुम आखिरी इंसान होगी जो 2 दिनों तक बची रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सामान जो है, सही कह रहा हूँ ना मैं? उसकी तरफ देखो, उसके कई सारे दोस्त होंगे और वो अपने दिल की ही सुनती है, वो अपने डिसीजन खुद लेती होगी, किसी पे डिपेंड नहीं होगी। उधर देखो, वो जो पिंक सूट में बैठी है लड़की, वो बहुत ही डोमिनेट पर्सनैलिटी की लेडी है, और उधर जो ग्रीन ड्रेस में है, उसे लड़कों का साथ बहुत अच्छा लगता है,
सिर्फ किसी के बैग से इतना सब कुछ बता सकते हो? इसके बारे में किताब भी है। लड़की के हैंडबैग को देखकर उसका किरदार पता लग जाता है। अजीब है, इस हिसाब से अगर कल मैं नया हैंडबैग ले लूं, तो क्या मेरा कैरेक्टर भी बदल जाएगा? एक लड़की के पास 5 हैंडबैग्स भी हो सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को कभी मिली हो जो कि प्यार में 3 से ज्यादा बार हारा हो? वो जिन जिन लड़कियों को प्यार करता है उनमें एक चीज तो सामान्य होती है, हम सभी एक ही तरह की खासियत से अट्रैक्ट होते हैं, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। तो हम उनके हैंडबैग को देखकर बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। देखो, तुम इतना बड़ा बैग इस क्लब में लाए जो कि आजकल के फैशन में नहीं है। बाय बाय। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम मेरे बारे में सही हो या नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ गलत समझ लो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों। तुम मुझसे मिलने जा रही हो? पर क्यों? एक मिनट सुन, एक लड़के ने तुझे पहले ही प्रपोज किया है, तेरे माँ बाप लड़का ढूंढ रहे हैं, और अब तुझे ये क्यों पसंद है? इतने सारे लोग हैं, उन सबको छोड़कर तुझे ये चाहिए? मुझे बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और वैसे भी वो 4 दिन में US जाने वाला है, तो कुछ दिन उसके साथ बिताने में क्या ही हर्ज है। अरे वो मेरी टीचर है, अब तो मेरा भी नजरिया बदल गया उनके लिए। तुम्हें ये कैसे पता कि मैं वीणा बजाती हूँ? अरे बस टाइम पास है यार, आजकल के कॉलेज की लड़कियाँ सिर्फ टाइम पास ही करती है क्या तुम्हारे जैसे? उस लड़के का क्या हुआ था जिसने तुम्हें प्रपोज किया था? बिल्कुल जैसा तुमने कहा, बात नहीं बनी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम इंडिपेंडेंट हो पर वो नहीं, तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करोगी। मुझे नहीं पता, तो वीजा आ गया। सो दिस टाइम नेक्स्ट वीक तो तुम वहां पर सेटल होने वाले हो? खास बस छोटे छोटे गांव में जाकर मुझे काम करना है, मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। जो भी होगा मैं वो सब फेसबुक पे डालूंगी। वैसे That's it then. 5 दिन इतने जल्दी चले गए कि मुझे पता ही नहीं लगा। आई होप कि हम फिर कभी मिलें। ऑल द बेस्ट। बेस्ट विशेस। गुड सी यू। आखिर मैंने क्यों किया?
तुमने तो कहा था टाइम पास। हाँ मुझे भी लगा था, पर अब तो मुझसे नहीं मिलने वाली। तुम मुझसे बार बार मिलती रही और अब तुमने एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। क्या उसे इंटरेस्ट भी है? हाँ है तो, पर वो दिखाता नहीं है। मैं उसे पसंद करता हूँ पर मैं उसे भूल नहीं पाया। तूने उसे प्रपोज किया? वैसे वो कब जा रहा है? तो आज उससे मिलने जा, बस उससे मिल और बात कर थोड़ी। हाय मैथिली, जब तक तुम्हें ये मैसेज नहीं लगा तब तक मैं चेन्नई छोड़ चुका होऊंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था तुम्हें छोड़कर जाना, पर मुझे जाना होगा। तुम्हारे लिए भी यही सही होगा और तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। खुश रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी दुखी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। लाइट का टाइम हो गया भाई। मुझे पता है कि तुम्हें दुख होगा, पर मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। एफबी, ट्विटर, फेसबुक, उसने सब कुछ बंद कर दिया। क्या तुमने आंटी से पूछा? हाँ, पर उन्हें भी नहीं पता। आखिर उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये पक्का भाई, देखो जरा जेपी चेक कर रहा है। मीटिंग प्लान कर रहा हूं। सर अगली मीटिंग होने वाली है, जेपी त्रिचि को जाने वाला है। मेरे आदमी उसको उसके कंपार्टमेंट में उसके साथ फॉलो कर रहे हैं और दो और मेरे छह आदमी उस रेलवे स्टेशन में उनका इंतजार कर रहे हैं और सबके पास हिडन कैमरास भी हैं। हम लोग इस बार उसको देखते रहेंगे और जैसे ही वो पेन ड्राइव लेने आएगा उसको पकड़ लेंगे। आप यकीन मानिए वो दो घंटे के अंदर हमारे हाथों में होगा। सिक्स कैमरा लाइफ बीट, अब वो हमसे भाग नहीं पाएगा। राजू, वो ही है
पेन ड्राइव और उसका पासवर्ड पक्का उसी के अंदर होगा, तुम वही देखते रहो। अलर्ट रहना बिल्कुल, जो भी उसको लेगा वो मास्टरमाइंड होगा। आईपी एड्रेस जापान का है। फेक है, पक्का ये वही आदमी। क्या जेपी ने रिप्लाई किया? यस। Jinshi, Ayo. So that means, who is Mr. Jin? So who is Miss Jimin? How do we say that in Korean? मुझे डर लग रहा है। ये पहली बार थोड़ी है। फर्स्ट टाइम नहीं है, पर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हमें पकड़ने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर एक कि वो हमारे नाम जान जाए, या फिर दूसरा हमारी फैमिली को पकड़ के पूछ ले। और हमें पब्लिकली कोई नहीं जानता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अगर मैं पकड़ा भी गया तो। से साथ में जिएंगे और फिर तुम एक बच्चे के डायपर बदलना। रात 10 बजे रेडी रहना। जहां मिलते वहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस ये 2 हफ्तों की बात है, उसके बाद हम चेन्नई छोड़ देंगे। कल जेपी ट्रिचे आ रहे हैं तो कल रात 10 बजे रेडी रहना। और हाँ, ध्यान से, कोई गलती मत करना। ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों।
का है। भागो श्वेता, भागो। राजू, तुम वही पिलर मिला मत वहां से। वो जेपी ही ट्रेन है। ये तो वही ट्रेन ली थी। हमारे साथ खेल खेल गंडल कहीं भी हो सकती है। उस बाथरूम में उन लोगों के पास कहीं बैठी सब लोग मेरी बात सुनो। मास्टरमाइंड यहीं पे है, वो जेपी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उन लोगों को ढूंढो जो फोन पे बात कर रहे हैं। सो अगर पेन ड्राइव जेपी के पास है तो वो उस तक जरूर आएगा। नजर रखना। सर वो भीड़ में घूम गया है। क्या कोई जेपी को देख सकता है?
सीसीटीवी कैमरा में मिला, वो ब्लैक शर्ट वाला। इवन जेबी को भी पता नहीं लगा और यहाँ उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तुम भागे क्यों वहां से? सुरक्षित है, चिंता मत करो, वो हमें नहीं ढूंढ सकते। चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोछो, अब हम सुरक्षित हैं। यही है वो, he is the culprit। तुम गलत हो। इधर देखो, 9K। 9-7-3। और इधर देखो, जब वो रवि से मिला था, इधर फ्रेम्स को देखो और साथ में टाइम भी। जिस वक्त रवि को मारा गया वो उधर बिल्कुल नहीं था। वो कमीने दो लोग हैं। इसको अच्छे से चेक करता है और तभी दूसरा आदमी आता है। ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं। उसने हमें चालाकी से ढूंढ लिया है। ट्रैप, कुल 8 लोग हैं, वेल ट्रेन्ड। उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए सारे के सारे। मेरी पत्नी बाहर इंतजार कर रही है, क्या हमें जाना चाहिए? बताओ मुझे, क्या हमें जाना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते रहो। तुम जेबी के पास मत जाना जब तक कि मैं ना कहूँ, समझ गए ना तुम? उसने उस वक्त जेबी को भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। रेस्ट रूम में जाओ, अखबार को वहां छोड़ दो। लड़के को रोको। वो अच्छे से जानता था कि वहां पे कैमराज हैं। वो साला बस हमें उल्लू बनाते जा रहा था। अब जेबी के पास जाओ।
वो ही असली मास्टरमाइंड है। ये वही है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मैं उसकी असली पहचान ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको मैं उसकी मौत तक टॉर्चर करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा और उसके दोस्तों को भेज दूंगा। एनी अपडेट सर? मैं वजारा के इन्वेस्टिगेटर्स को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। लगता है बहुत ही प्रोफेशनल लोगों को हायर किया है लोगों ने। எட்டு பேரும் எஸ் புதிய டீம், ஆரும் நம்ம டேட்டாபேஸில் இல்ல. பை சார், நான் ஹெல்ப் செய்து ஆரும் அறியல. எனி அப்டேட் சார்? ஐபியில் உள்ள எந்த சோர்ஸ் வச்சு எல்லாரும் ചോദിച്ചു നോക്കി. வஜ்ர ஹையர் ചെയ്തിരിക്കുന്ന இன்வெஸ்டிகேட்டர் ആരാണെന്ന് ആർക്കും. मुझे कुछ समय चाहिए और तुम भी संभाल के रहना, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है उन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? नहीं, अब वो जेपी के पीछे जाएंगे। जेपी ठीक तो है ना? जेपी सुरक्षित है। जेपी को वहां से जाते हुए किसी ने नहीं देखा। वो अपने बचपन के दोस्त के साथ है, ये बात किसी को नहीं पता। दो दिन में पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे और उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। जेपी अगर एक बार बाहर चला गया तो वो दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर जेपी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। कुछ दिनों में मैं भी मर जाऊंगा, मुझे कैंसर है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे कुछ निकलवा लोगे, नहीं होने वाला। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हारा एक बेटा है जो कि यूएसए में है और तुम्हारे तीन नौकरी है और तुम्हारा बेटा भी टूर के लिए इंडिया में और रूम नंबर भी। तुम्हारी बेटी लंदन में पढ़ती है, मेरे आदमी उसका पूरे दिन पीछा कर रहे हैं। मैं जब चाहूं उसको खत्म करा सकता हूं।
वो जेपी के थ्रू हम तक भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने घर के सभी मेंबर्स से पॉल्यूशन के बारे में पूछताछ की। इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। मेरा पिता कैसे है? इस लड़की के बाप ने कॉर्पोरेट के सीक्रेट चुरा रखे थे, तो फिर जो हमें सही लगा वो हमने किया। अरे तुमसे तो 2 मिनट भी नहीं देखे जा रहे, और ये 12 घंटे की वीडियो है ये तो ध्यान रखना। तो मेरे 6 लोगों ने मिलके उसको आराम से टॉर्चर किया है। ध्यान से देखिए मिस्टर जेपी, और उसके बाप के देखने के बाद हमने उसे डार्क नेट पे डाल दिया। तुम्हारे लिए तो ये बहुत नहीं। पुलिस को भी उसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया। तुम्हें जो भी मालूम है उसके बारे में हमें सब बताओ जेपी, मुझे सब कुछ जानना है, जो भी तुम्हारे भेजे में है सब कुछ। तुम्हें मुझे कंपनी की लॉरी फैक्ट्री तो मालूम ही होगी। हाँ मालूम है, कुछ सालों पहले वो गवर्नमेंट की थी, वो लॉस में चल रही थी बहुत सालों से, तो वज्रा ने उसको ले लिया। वो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी 3,700 करोड़ की थी, और गवर्नमेंट ने उसे 1,800 करोड़ में ही बेच दिया। गवर्नमेंट ने उसे लॉस में बेच दिया, पता है तुम्हें क्यों? जैसे लोगों को वोटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं ना, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद रही थी पैसों के लिए। पहले उन्होंने कंपनी खरीद ली, 400 लोगों की नौकरी चली गई, और कम से कम जॉब सरवाइव करने के लिए ले ली, चाहे वो लेबर हो, कचरा साफ करने वाला हो, कुछ भी, कुछ जो मिला सबने वो कर लिया। और सिर्फ वो ही नहीं, कर्नाटक में एक मीडियम स्केल फैक्ट्री है जो उसके सेपरेट पार्ट प्रोड्यूस करती है। वजहरा ने उसके साथ भी उसी वक्त कैंसिल कर दिया उसका प्रोजेक्ट। 200 लोगों ने अपनी नौकरी खोई और फैक्ट्री बंद पड़ गई। चेन्नई में भी ऐसे ही एक छोटी फैक्ट्री का लॉस हुआ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों। गरीब आदमी अपनी पत्नी की दवाइयों का भी पैसा जो नहीं दे सकता, वो अब क्या ही कर सकता है। वैसे ही एक बुढ़िया भी बड़ी परेशान हो गई थी, और बिल्कुल वैसे ही एक चाय की डबरी को भी लॉस हो रहा था। कुछ कमाई नहीं, लोन ले लिया तो उसका पैसा नहीं दे सकते वापस। सड़सठ साल की इस बूढ़ी औरत ने घरों में काम करना शुरू कर दिया। इधर ये चीज देखो कि केवल वजहरा की वजह से सब लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी कई स्टेट्स में 1,000 से ज्यादा लोग वजहरा की वजह से अफेक्टेड हैं। और उसी तरफ दूसरी चीज देखी जाए तो वजहरा बहुत ही प्रॉफिट कमा रहा था। सरकार को भी सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट फंडिंग का खेल है। अगर हम किसी बड़ा मुद्दा, अगर हम इतना फंडिंग कर सकें,
इस देश में जितनी भी गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, सब के सब कॉर्पोरेट से ही पैसा कमाती हैं और कुछ नहीं। और आजकल की सरकार तो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, वो बस कॉर्पोरेट्स के गुलाम है। तो फिर सीक्रेट्स बेचने से क्या बदल जाएगा? मैंने कुछ भी चुराया नहीं है, मैंने बस उन्हें सही लोगों के पास पहुंचा दिया है। केवल वज्रा ही नहीं, सारे कॉर्पोरेट्स के लीगल एक्टिविटीज सब कुछ, एक एक चीज इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो जाएगी। अब ये भी सुन लो कि मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। वो भी कोई देवता लोग नहीं है, समझ में आ रहा है? जो तुम मेहनत करके इन्फॉर्मेशन लाके दे रहे हो ना उनको, वो लोग तो बस आराम से उसको बेच के खा रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैं बस उसको ढूंढ रहा हूँ, उनके लीडर को। उसके कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में लिंक्स होंगे जिससे वो सीक्रेट्स बेचता है ना, मैं जल्द ही उसको ढूंढ निकालूंगा। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, उन्हें हमें पकड़ ही लिया था। मैं अब इसके साथ रिस्क नहीं ले सकती। ये सब वज़रा के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने भी इंफॉर्मेशन भेजी है पैसे के लिए। उन्होंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है जेपी। Give me something, Jebby. कुछ भी, मुझे नहीं मालूम, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, मैं उनके नाम तक भी नहीं जानता हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता। 8 साल की प्लानिंग थी, घबराओ मत, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, हमें ढूंढना इतना भी आसान नहीं। ऐसे कैसे? अपने दिमाग पर जोर डालो जेपी, 1 साल से जानते हो तुम। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। एक बार जब मैं उससे बात कर रहा था तब मैंने कोरियन भाषा सुनी थी, शायद इससे ज्यादा बताना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद कोई कोरियन लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस हो। सारे एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड चेक करो और देखो कि कोई कोरियन कोचिंग क्लासेस अटेंड करता है कि नहीं। जेपी कुमार तो उसकी बॉडी भी छुपा दो। रुको रुको रुको, क्या हुआ? कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारी पिक्चर लेना चाहता हूँ, दिखाओगे? हे मत जाओ, रुको, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ तो जल्दी फोटो लो ना, देख क्या रहे हो? तस्वीर खींच ली अपने दिमाग में। और ये वाली मेरे लिए।
देख लो। मैं लेट हूँ माँ, देख कर जाओ। ठीक, दिखाओ मुझे। मैं काम कर रहा हूँ माँ। माँ इसको एक नया लैपटॉप दिला दो, ये हमेशा मेरा ही लैपटॉप यूज करती रहती है। ये इसकी शादी करा दो। टोटल 6 प्रोफाइल है, 2 IAS ऑफिसर्स और 4 डॉक्टर्स की है। वे कौन है? सारे अच्छे लड़के हैं, मुझे कोई पसंद नहीं है। इसकी ऐसी हरकत देख के लगता है ना तो इसकी शादी होगी और ना ही ये मुझे शादी करने देगी। इसने तो सबको रिजेक्ट कर दिया। आप तो खुशकिस्मत है डैड जो आपको ऐसी बीवी मिली है। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? Your mom is asking about marriage, no? तो किसी एक लड़के को चुनकर सेटल क्यों नहीं हो जाती? एक फैमिली बना अपनी। वो तुझे इतने लड़के दिखाते हैं, फिर भी तू सबको रिजेक्ट करती जाती है। तेरो अब भी मुझ में है, मैं उसे भूल नहीं पा रही। और अगर उसे नहीं भूल पाऊं तो किसी और से कैसे शादी करूं? वो तुझे छोड़कर चला गया, उसने तुझे कॉल भी नहीं किया। मेरा भी उससे यही सवाल है। हम उनमें से 12 कोचिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेजेस देख चुके हैं और फिर पिछले 24 घंटे की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सिर्फ 2 जगहों में पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग मिली है। अब इसे देखिए, 4 महीने पहले का फुटेज। शालू, मैं तुम्हें लंच पे मिलूंगा। हेलो, जेपी अपने दोस्त के घर में नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तुम मेरे पास आ जाओ, तब भी अलर्ट। यही है जिसने जेपी की जेब काटी थी। सेम हाइट और सेम वेट है इसका। शालू का तुम ध्यान रखना, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। क्या हुआ तेरू, अब क्या करेगा?
आप अकेले करेगा भी क्या? वो वहां पहुंच जाएंगे। क्या कोई बॉडी के पास आया? हमारे लोग उन्हें देख रहे हैं और वो बिल्कुल अकेला है। उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ फेक है। ये सब कुछ फेक है। और इसकी जेब में क्या था? बस यही सब मिले। बस टिकट, पेट्रोल टिकट, कुछ भी? कुछ भी नहीं। अगर हमें मास्टरमाइंड पता करना है, उसकी पहचान ढूंढनी होगी। कोरियन क्लासेस में कुछ तो होगा ना? क्या वो किसी से मिला या फिर वो एक स्टूडेंट था? मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों। किसी से मिला या फिर वो एक स्टूडेंट था? चलो वहां चलिए। वर्षा, मेरी दोस्त है वो, कोरियन क्लास के पास से। कॉल सुनो, आंसर करो। यहाँ पे कुछ लोग तुम्हारे हस्बैंड की फोटोज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा सर। अब वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ किसी से मिलने आता था। उनको टीचर की लिस्ट मिल जाएगी। टोटल 3 टीचर्स हैं सर, एक US चला गया, दूसरी नहीं है और लास्ट दंशिका है। वो प्रेग्नेंट है तो मेडिकल लीव पर गई है। कौन से पढ़ा रही हो? एक साल से। सर्च फॉर एड्रेस, वो फोर्थ स्ट्रीट अन्ना नगर में रहती है। दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत।
सारे सबूत भी मिटाते जा रहे हैं। ഇന്ത്യൻ ആർമി എക്സ് കമാൻഡറാണ്. ടെലിഫോൺ ഡയറിയിൽ അവന്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റില്ല, വെബ്സൈറ്റോ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസോ ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ 17 മൾട്ടിനാഷണൽസ് അവന്റെ ക്ലയന്റാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകളെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക, കോർപ്പറേറ്റ് മോഷ്ടാക്കളെ വേട്ടയാടുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവന്റെ ജോലി. സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ ഷാഡോൾ എന്നൊരു നാടുണ്ട്, വോക്സൈഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിറഞ്ഞൊരു പ്രദേശം. ആ വോക്സൈഡിന് വേണ്ടി 2-3 കോർപ്പറേറ്റുകൾ മത്സരിച്ചു. ആ മലയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. അത്രയും ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ 6 വർഷത്തോളം നീണ്ടതെന്നറിയോ? ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അർജുനെ ഹയർ ചെയ്തു, 4 മാസം കൊണ്ട് ആ പോരാട്ടം നിർത്തിച്ചു. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? 8 ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാതെ പോയി. അവനെല്ലാരും ബന്ദിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അർജുൻ ഒരു പാത്തലോജിക്കൽ കില്ലർ. അവനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് 3 ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തു. അവന് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. 2 മാസം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ചില കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെ കൂലിപ്പടയായിരുന്നു. സാറേ, എന്റെ ജോലി ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. തിരു, നിനക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കണോ വേണ്ടയോ? കോർപ്പറേറ്ററുകൾ അർജുനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഒരു തുമ്പും കിട്ടാതെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഒരു സമാനക്കിലോ ജസ്കി ബോഡി വോ ജൽദി ഹി തുമേ ഢൂണ്ട് ലേഗാ. അഗർ വോ മേരെ പീച്ചേ ഹേ തോ മേ സുനിശ്ചിത് കരുംഗാ കി മേരാ പരിവാർ സുരക്ഷിത് രഹേ, ഫിർ ഉസ്കേ ബാദ് ബേശക് മേ അപ്നി ജാൻ ദേ ദൂംഗാ. यही मुझे अब सही लगता है. अब से मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठाऊंगा. जो तुम्हारे करीब है पहले उसको बचाओ, वो सबको टारगेट करेगा. और से 2 दिन में हम लोग यहां इन्फॉर्मेशन वापस लेने आएंगे. हमें अभी शहर छोड़ना होगा. मैंने पासपोर्ट का इंतजाम कर लिया है.
पता नहीं, लेकिन उसका एक लीगल गार्डियन था, उसका नाम है भारती। इस औरत को सच्चाई पकड़ना मालूम होगी और मैंने उसे ढूंढ लिया है। गांधी मर चुका है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैं अभी आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके उस एड्रेस पर पहुंच जाइए। हम बोट में जा रहे हैं, मैं उसका इस्तेमाल करके उसे ढूंढ लूंगा। और उस औरत का इस्तेमाल करके मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुसाइड किया और वो मर गई। उसका फोन, लैपटॉप, बाकी सब कुछ जल चुका है। तेरो, तुम्हें भाग नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। तेरो, तुम्हें छू नहीं सकते। अजरा बहुत ताकतवर है, हम उन्हें हरा नहीं सकते, पर आज तक तुमने जो भी किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, प्लीज जाने से पहले मैथिली को कॉल कर लेना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बाय मैडम। ये मेरी आखिरी इच्छा है, उससे बात कर लेना, ठीक है? ये चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, और कुछ भी नहीं। और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। भाई मैथिली, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ।
टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @ फिल्मी स्टार मूवी सिनेमा, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों। नहीं, बहुत खतरा है। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो सेफ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, और अगर अब तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, आज भी गाँव में डॉक्टर हूँ और मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ। हाँ। अपना वो सपना छोड़ कर आ रही हूँ। मैं यहाँ पे एक अकेली डॉक्टर हूँ और यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं। मुझे नहीं लगता मैं आ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ पर मैं नहीं आ सकती। ये मेरी जिंदगी है, मेरा एम्बिशन है, ये मैं हूँ। देखो, यही सच्चाई है। अब मैं खुद से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है माही, मैं पूरी तरह से समझ पा रहा हूँ। रो मत। जाने से पहले यहाँ मुझसे मिल लो प्लीज, प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ। तुम वो अकेले आदमी हो जिसे मैंने प्यार किया और हमेशा करूंगा अपनी मौत आने तक। क्या सोचते हो? कोई भी नहीं, तुम ही मेरा प्यार हो। सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट, पर आखिरी में बचते हैं मैथिली और तिरु। तुम कौन हो? तिरु कहाँ पर है? तिरु कौन? कहाँ पे है ये? अब हम बात नहीं करते, ये बस एक पुरानी फोटो है, मैं उससे सालों से नहीं मिली। नहीं पता, Ah!
ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് अब बोलो उसका हाथ तोड़ दो और सेकंड में बताओ कि कहाँ है वो दूसरा हाथ भी तोड़ दो तुम्हारी माँ या थीरू जल्दी करो 5 सेकंड है तुम्हारे पास उसकी गर्दन तोड़ रुक जाओ सीक्रेट रखना नहीं चाहिए वरना मुझ जैसा आदमी फिर मिलेगा जाओ मैं मुझे माफ कर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी किसी को कुछ मत बताना माँ भाई सबका ख्याल रख नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ मुझे माफ करना धीरू ऐसा मत करो धीरू धीरू प्लीज वो तुम्हें मार डालेंगे धीरू धीरू प्लीज मत जाओ
आइनर कुरुचि माँ बाप दोनों नहीं है, वरदी ने मुझे गोद लिया था। कॉलेज के बाद का हमें सब पता, उससे पहले का पता। दस उंगलियां दोनों पैर काट, सब कुछ रिकॉर्ड कर लो जब तक ये मरना चाहे। जगह फिर उसके बाद तोड़ना, इसको दर्द महसूस होना चाहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर न्यू शॉर्ट मूवी का लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ओपन करके सर्च मारना @FilmStarMovieCinema, यही है चैनल, ज्वाइन कर लो प्लीज भाइयों। Thank you.
अभी फैक्ट्री का मालिक कौन है? ये वही जगह है जहाँ ये सब शुरू हुआ है। फिरु के माँ बाप यही काम करते थे और बजारा ने उन्हें मरवा दिया, अब इसलिए वो कंपनी को बर्बाद करने पर दुबारा है। अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। याद रखना, एक फाइटर 4 से 5 लोगों के साथ फिल्मों में ही लड़ सकता है। विद्या अरिഞ്ഞിരുന്നാലും കൂടി പോയ ഒരു 3 പേരെ അടിക്കാൻ പറ്റും। गन्स 3। लेकिन एक अच्छा फाइटर एक समय पर 3 लोगों के साथ आराम से लड़ सकता है। अगर कभी एक साथ 4 आ भी जाए तो भाग लेना। सारा दरवाजा बंद करो, कहीं से भी निकल ना पाए वो। अब इसके पाउडर हम उसे यही मार के उसके माँ बाप तक पहुंचा देंगे। और सब जगह सकता।
कोई केमिकल की वजह से जल जाएंगे। जैसे ही रोशनी दिन छुएगी तुम जल्दी खाक हो जाओगे। जैसे ही हम लोगों ने मास्क लिए वो केमिकल से चिपक गया। ये सब इसी का प्लान है। सब अलर्ट रहना, कोई भी मास्क नहीं उतारेगा और ना ही धूप में जाएगा। उसके पैरों के निशानों को देखो और उसे फॉलो करो।
केमिकल कॉकटेल। अर्जुन यहाँ है वो। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम क्या कर लेते? तुम मरोगे अगले 3 घंटों में। मैं यहाँ ही होगा ना, तुम 3 घंटे में चूहों की मौत मारे। इस वक्त हम दोनों मरेंगे, जैसा कि हम दोनों को मरना ही है। लेकिन मरने से पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसका कुछ फायदा नहीं, मैं तुम्हें आसानी से देख सकता हूं पर तुम नहीं। तुम्हारी मौत ठीक तुम्हारे सामने है। अब अगर दम है तो आकर जो मर्जी कर लो। धूप का ध्यान रखना। तुम करने क्या वाले हो? इस्तेमाल करके वज्र को तबाह करना चाहते थे। एक जर्मन कंपनी ने एक नया तरीका ढूंढा है पॉल्यूशन को 40% तक घटाने का, वो भी मोटर इंडस्ट्री में। क्या ये नया बदलाव लाएगी, देखते हैं। मोटर इंडस्ट्री की न्यूज है कि एक रशियन कंपनी ने प्रोजेक्ट खरीद लिया है और वज्र अब उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। मार्केट में लॉरी लॉन्च हो रही है 30 दिन में। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरे पास आ ही गया, तुम चाकू क्यों नहीं भेजते हो? अच्छा, तुम्हारे पास तो वो फेंकने के लिए ताकत ही नहीं है। क्या मैं और पास आऊं? मैं जरा तुम्हें एक बात बता दूं, भारती मैडम ने 3 बच्चों को गोद लिया था। वेल मुर्गन एक जर्मन कंपनी का मालिक है, ना कि वर्जन का पार्टनर। हमने रशियन माफिया कंपनी को वो टेक्नोलॉजी बेची जिसके बारे में वज्रा को कोई जानकारी नहीं थी। अगले 2 हफ्तों में वज्रा की सारी इंफॉर्मेशन लीक करने वाले थे, जिससे वज्रा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता।
और यही था हमारा 8 साल का प्लान। मैंने तेरे घर में देखा, बहुत बेकार निकली है। मिक्स मार्शल आर्ट सबसे बढ़िया है। कुंग फू, कराटे और टाइक्वांडो ये सब एक ही है, तुम जो चाहो वो सीख सकते हो। लेकिन जब बात असल लड़ाई की आएगी तब देखना। कुछ ही मिनटों में तुम बेहोश हो जाओगे। 10 मिनट में मैं तुम्हें मारूंगा। 10 मिनट तक मैं तेरे को नोचा करूंगा और अपने हाथों से मार दूंगा। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, अगर तुमने 10,000 टेक्निक्स याद की हैं, वो तुमसे कभी नहीं डरेगा। अगर तुमने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे तुमसे खौफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुमको एक ही चीज को 10,000 बार सीखना है और उसे इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारे सामने कोई भी ना टिक पाए। वज्रा के ओनर को हार्ट डिजीज के चलते हुए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सूत्रों से पता चला है कि वो रशियन माफिया से भी जुड़े हुए थे। कंपनी और उनके सारे एसेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस में जांच पड़ताल जारी है। हमें 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है, पर किसने भेजा ये अभी तक पता नहीं है।